हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो थ्री फेस हमारी इंडक्शन मोटर होती है उसे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर सकें। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट होता है नो लोड टेस्ट, और सेकेंड टेस्ट होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट और या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट हम देखते हैं नो लोड टेस्ट, और ओपन सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम नो लोड टेस्ट बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इंडक्शन मोटर है। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करेंगे अपन ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, लेकिन यहाँ ओपन सर्किट को हम क्या बोलेंगे, नो लोड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोटर है। ठीक है, तो मोटर हम क्या करें, नो लोड करेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट ही बोल सकते हैं, लेकिन नो लोड ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस टेस्ट इज सिमिलर टू द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है ओपन सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफॉर्मर अपन करते हैं उसी के। ठीक है, उसी के जैसा होता है बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर अपन क्या करते हैं, जो उसके सेकेंडरी टर्मिनल होता है, आउटपुट टर्मिनल होते हैं, है ना, उसको अपन क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, है ना। मतलब उसमें कोई भी लोड करें नहीं किया जाता है, या तो ओपन सर्किट टेस्ट कर लेते हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे, मोटर का जो मोटर जो है वो अनकपल्ड होगी लोड से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोटर को नो लोड पे करना है या ओपन सर्किट बोलेंगे, है ना। तो नो लोड पे अगर करना है मोटर को, तो हम क्या करेंगे, उसकी शाफ्ट से क्या करेंगे, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल लोड कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, नो लोड। ठीक है, नो लोड पे जब मोटर चलेगी तो हमारा क्या लगेगा, नो लोड टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब और मोटर को डन होने देते हैं विदाउट किसी लोड के। ठीक है, अब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रिक्वेंसी से मतलब ये है कि मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस पर जितना भी रेटेड वोल्टेज लिखा है उसका, कि ये इतने वोल्टेज से इतने वोल्टेज के बीच ही रन करेगी। ठीक है, और इतनी फ्रिक्वेंसी भी चलेगी, तो अपन वही क्या करते हैं, उतना ही वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, और मोटर को रन देते हैं विदाउट लोड के। ठीक है, तो जो इनपुट पावर होगी वो हमारी मेजर यहाँ पे कैसे की जाएगी, दो वाट मीटर मेथड से। ठीक है, टू वाट मीटर जो मेथड होती है उससे अपन क्या करते हैं, जो इनपुट पावर थे अपन देंगे, इनपुट पावर देंगे, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। जो इनपुट पावर जो अपन देते हैं, पी इज इक्वल टू वी आई, है ना। तो अपन मेजर किससे करेंगे, टू वाट मीटर मेथड से। ठीक है, टू वाट मीटर मेथड अपन का मतलब क्या होता है, दो वाट मीटर कनेक्ट करना। ठीक है, और वो वाट मीटर किससे कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं कि किसी एक को अपन क्या करते हैं, न्यूट्रल मान लेते हैं। ठीक है, और दो लाइन के बीच में कनेक्ट कर देते हैं वाट मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वाट मीटर कनेक्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच, और सेकंड वाट मीटर इन दोनों के बीच। तो ये वाला क्या रहेगा, ये वाली लाइन जो है कॉमन रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया। ठीक, वोल्ट मीटर किस लिए कनेक्ट करेंगे, जब हम थ्री फेस सप्लाई देंगे। ठीक है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा कि रेटेड वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फ्रिक्वेंसी तो अपन को 50 हर्ट्ज़ अपन देंगे, है ना, रेटेड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होती है ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर किस लिए लगाया जाता है, दो लाइनों के बीच अपन इसको कनेक्ट करेंगे। इसको कनेक्ट करने से ये फायदा होता है हमें कि हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि उसमें रेटेड वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। ठीक, तो इस वोल्ट मीटर के यहाँ पे ये यूज रहेगा, किसी भी एक लाइन के बीच में एमीटर कनेक्ट कर देते हैं अपन एक लाइन में, तो वहाँ से हमें क्या करंट पता चल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ से हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, यहाँ वोल्ट मीटर, यहाँ मीटर, और ये टू वाट मीटर मेथड के लिए अपन टू वाट मीटर लगाएंगे इनपुट पावर मेजर करने के लिए। यहाँ पे जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है वो नो लोड कंडीशन में होगी। ठीक है, कोई मैकेनिकल लोड कनेक्ट नहीं होगा इसके हिसाब से। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि जब अमीटर मेजर क्या करता है, अमीटर जो यहाँ पे लगाया है वो मेजर करेगा नो लोड करंट। ठीक है, वाट मीटर हमें रीडिंग देगा किसकी, नॉर्मल रेटेड वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, उसकी रीडिंग देगा। सिंस द नो लोड करंट इज 20-30% ऑफ द फुल लोड करंट। क्या होता है कि जो नो लोड करंट होता है, नो लोड की कंडीशन में जो करंट होगा वो 20-30% होगा किसका, फुल लोड करंट का। ठीक है, तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे प्राइमरी में वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या होगा, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि करंट क्या है, कम करंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉसेस जो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। तो वो इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू आयरन लॉसेस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, द आई स्क्वायर आर लॉसेस इन द प्राइमरी में बी नेग्लेक्टेड एज दे वेरी विद द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, सिंस द मोटर इज रनिंग एट नो लोड, सिंस द मोटर इज रनिंग एट नो लोड, टोटल इनपुट पावर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आयरन लॉस। ठीक है, तो जो इसमें क्या हो गया, हमारी मोटर क्या है, रन हो रही है नो लोड कंडीशन में। ठीक है, तो जो टोटल इनपुट पावर है वो किसके इक्वल होगी, कांस्टेंट आयरन लॉस की। ठीक है,
और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ऑफ द रोटर। ठीक है, तो जो हमारी टोटल इनपुट पावर है ना, वो इक्वल होगी कांस्टेंट जो लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लोड मतलब क्या मतलब है, आयरन लॉस हो गया कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो इनपुट पावर हमारी इनके इक्वल होगी। ठीक, तो हमें से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट पावर लॉस। ठीक है, कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। पी वन प्लस पी टू का मतलब क्या है, यहाँ पे दो मल्टीमीटर लगाए गए है ना, एक पी वन और एक पी टू, दो रीडिंग मिलेंगे पी वन और पी टू। ठीक है, तो कुछ रीडिंग ये नोट करेगा, कुछ रीडिंग ये नोट करेगा, तो दोनों की जो रीडिंग होगी वो किसकी इक्वल होगी, पी आई की इक्वल होगी या फिर कॉन्स्टेंट लॉसेस की इक्वल होगी। ठीक है, तो या और ये किसकी इक्वल होंगी, सब सम ऑफ टू वाट मीटर रीडिंग। ठीक है, ये हो गई सम ऑफ टू वाट मीटर। तो पी आई जो हमारा टोटल आयरन लॉस निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा, इन दोनों का सम निकलेगा, दोनों वाट मीटर की रीडिंग का। ठीक है, तो पी वन प्लस पी टू लिख सकते हैं। ठीक, अब सिंस द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन इज जनरली लेस देन 0.5। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारा जो पावर फैक्टर होता है इंडक्शन मोटर का, ठीक है, वो नो लोड की कंडीशन में कैसा होता है, जनरली लेस देन होता है 0.5 से। ठीक है, जनरली लेस देन 0.5। ठीक है, वन वोल्ट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक वोल्ट मीटर जो है वो शो करेगा नेगेटिव रीडिंग। ठीक है, तो इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट कॉयल टर्मिनल टू टेक द रीडिंग। तो यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि जो डायरेक्शन है ऑफ करंट कॉइल की, जो डायरेक्शन है ठीक है टर्मिनल की, वो अपन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रीडिंग लेने के लिए तो उन टर्मिनल्स की जो डायरेक्शन है करंट कॉइल की टर्मिनल की, उनको अपन क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो उसकी वजह से हम क्या फिर रीडिंग ले सकते हैं आसान से। ठीक है, तो एज इन द केस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर द कॉन्स्टेंट आर नॉट एंड एक्स नॉट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रीडिंग्स ऑब्टेंड इन द नो लोड टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में हम जानते हैं जो कॉन्स्टेंट आर नॉट और एक्स नॉट होते हैं, वो कैलकुलेट हम कैसे कर लेते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम रीडिंग्स ऑब्टेंड इन द नो लोड टेस्ट। जो नो लोड टेस्ट में जो रीडिंग्स आती हैं उनके हेल्प से अपन क्या करते हैं, आर नॉट और एक्स नॉट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वी एन एल इनपुट लाइन वोल्टेज है हमारा, ठीक है, वी आई एन एल इनपुट लाइन वोल्टेज होगा, पी आई एन एल इन टोटल थ्री फेज इनपुट पावर होगा नो लोड की कंडीशन। ठीक है, आई नोट जो है वो इनपुट लाइन करंट होगा, वी आई पी जो है इनपुट फेज करंट होगा, पी आई एन एल रूट थ्री वी आई एन एल आई नोट कॉस फाई नोट लिख सकते हैं अपन। ठीक है, टोटल थ्री फेज इनपुट पावर एट नो लोड, तो ये कहलाएगा हमारा रूट थ्री वी आई एन एल आई नॉट कॉस फाई नॉट, बियर वी आई एन एल इनपुट लाइन वोल्टेज होगा, आई नॉट होगा नो लोड करंट, कॉस फाई नॉट होगा नो लोड की कंडीशन में पावर फैक्टर। ओके, आई म्यू जो होगा वो हमारा होगा आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई डब्ल्यू जो होता है वो आई नॉट कॉस फाई नॉट होता है, और आर नॉट इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा आ जाएगा वी आई पी। ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई पी इनपुट फेस वोल्टेज अपॉन आई डब्ल्यू। ठीक है, और एक्स नॉट क्या हो जाएगा, वी आई पी मतलब इनपुट फेज वोल्टेज अपॉन आई म्यू। ठीक है, तो यहाँ से अपन आयर नॉट और एक्स नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीडिंग्स। ठीक है, ये रीडिंग हमें इनपुट लाइन वोल्टेज से मिल जाएगी। ठीक है, और टोटल थ्री फेज इनपुट पावर एट नो लोड कंडीशन में पता चल जाएगा। ठीक है, आई नॉट हमें पता चल जाएगा एमीटर की हेल्प से, वी आई पी हमें इनपुट फेज वोल्टेज अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, फेस और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करें तो इनपुट से फेस वोल्टेज हमें मिल जाएगा। तो पी जो पावर होता है वो क्या होता है, रूट थ्री वी आई कॉस फाई। तो यहाँ पे इनपुट लाइन पावर अपन टोटल अगर निकालें, इनपुट लाइन पावर पावर टोटल थ्री फेज का, तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, लाइन वोल्टेज में, इनपुट लाइन वोल्टेज में, और नो लोड करंट और नो लोड का पावर फैक्टर में, तो यहाँ से हमें पावर मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट वर्क कंपोनेंट दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, आई नॉट साइन फाइव नॉट और आई नॉट कॉस फाइव नॉट। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई पी अपन आई डब्ल्यू, और एक्स नॉट इज इक्वल टू वी आई पी अपन आई म्यू। यहाँ से अपन इन दोनों की रीडिंग अपन को पता होगी, इसकी रीडिंग अपन को पता होगी वी आई पी की, तो यहाँ से आर नॉट और एक्स नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट।
थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।